हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने चैनल में, और आपका स्वागत है वीकली स्टॉक मार्केट आउटलुक में। पिछले सप्ताह दोस्तों एक भारी गिरावट मार्केट में देखी गई विश्व स्तरीय पे और दोस्तों भारत के बाजार में। तो दोस्तों अब समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले सप्ताह में क्या संभावनाएं बन रही हैं, कहां पर हैं सपोर्ट और कहां पर हैं रेजिस्टेंस। तो दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं S&P 500 से। दोस्तों इस इंडेक्स को अगर गौर से देखें तो इसमें भी भारी गिरावट यहां दर्ज की गई। वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन हुआ और ये फॉर्मेशन हुआ 25 फरवरी 2021 को। लेकिन दोस्तों अगर इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है और यहाँ पर सपोर्ट लिया है, और इन सभी ओकेशन पे एक लार्ज लोअर शैडो का फॉर्मेशन है और यहाँ पर दोस्तों एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है। इसका तात्पर्य है कि पिछली बार जब रिट्रेसमेंट हुआ था, ये भारी गिरावट दर्ज की गई थी, तो प्राइस ने EMA 55 पर टेस्ट किया था। फिलहाल प्राइस EMA 55 पर आ चुकी है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो दोस्तों ये कन्फ्लुएंस है इस ट्रेंड लाइन का, और यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस थे, सपोर्ट बना यहाँ पर, तो 3774 का लेवल एक इमीडिएट टर्म्स में सपोर्ट नज़र आ रहा है, और 3700 में यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस था। तो 3700 से 3774 का लेवल एक डिमांड जोन के रूप में नज़र आ रहा है S&P 500 पे। चलिए एक नज़र पहले यूरोप के मार्केट पे डालते हैं, और अब देखते हैं दोस्तों फुटसी यूरोप टॉप 100 के इंडेक्स को। इसमें भी दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को देखें, ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन है क्योंकि दो ही टच पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने EMA 55 पर सपोर्ट लिया। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ EMA 55 का, लेकिन बाइंग आती हुई नज़र आई और कुछ सिनेरियो फिर से इस जगह जैसे बना था ऐसा बनने की संभावना नज़र आ रही है। और इस ट्रेंड लाइन के आधार पे अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन था, जो 2900 का लेवल है जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। तो 2888 से लेके 2900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो प्राइस एक्शन के अनुसार EMA 55 ये ट्रेंड लाइन बहुत सारे कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। अगर इस इम्पल्सिव वेव को अगर आधार बना के हम यहाँ देखें तो 61.8% कोइंसाइड कर रहा है EMA 55 से, और 78.6% कर रहा है 2900 पे। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा करेक्शन की संभावना यहाँ नज़र नहीं आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों कि अगले वीक में ये डिमांड जोन है, और अपसाइड में दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन है, तो 3000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं भारतीय बाजारों की तरफ और निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 के स्पॉट मार्केट में हम डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। पहले तो इस ट्रेंड लाइन को गौर करें दोस्तों, प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया जो EMA 55 का भी और इस ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस था, उसके बाद फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया प्राइस ने, और वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ जो कन्फ्लुएंस था इस ट्रेंड लाइन का और EMA 55 का। अब दोस्तों ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस लाइन बन गई है। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, जो थोड़ा फ्लैट है ट्रेंड लाइन, लेकिन दोस्तों ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इस जगह सपोर्ट लिया और इस जगह सपोर्ट लिया। तो अब दोस्तों मार्केट की जो करेक्शन और गिरावट देख रहे हैं, ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है वो इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पर एक गैप है, एक विंडो का फॉर्मेशन है, ये गैप के फिल होने की संभावना है, क्योंकि प्राइस दोस्तों पिछले प्राइस एक्शन को देखें तो EMA 55 पर सपोर्ट लेती है, और EMA 55 निकल के आ रहा है दोस्तों 14,281, एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। यहाँ पे प्राइस आती है तो ये गैप फिल होता है,
जो इस इम्पल्सिव वेव का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो ईएमए 55 का कॉन्फ्लुएंस है और इस ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस है, तो 14,281 या याद रखने के लिए 14,300 हम मान सकते हैं। प्राइस उसके नीचे जा सकती है लेकिन वो शायद सस्टेन ना करे और बाइंग आते हुए हम देखेंगे। लास्ट डिफेंडिंग सपोर्ट कहाँ है? 13,966 पर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्राइस में देखिए ये जो कैंडल थी 29 जनवरी की, यहाँ पर फिर एक आउटसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ जो वन वाइट सोल्जर था। तो दोस्तों 13,966 से 14,300 का बैंड एक डिमांड बैंड है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन होने की संभावना है, जिसका अगर एक्सपांशन चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं ईएमए 55 पर टेस्ट करेगा जो 14,288 आता है। और अपसाइड में यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन 26 फरवरी 2021 का था, वन ब्लैक क्रो का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट गैप डाउन खुला, तो ये इंटायर गैप जो है अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो 14,888 से लेकर 15,065 का जो बैंड है वो एक रेजिस्टेंस बैंड के रूप में आने वाले सप्ताह में साबित होने की संभावना है। लेकिन प्राइस अगर 15,065 के ऊपर ट्रेड होने लगी तब फिर दोस्तों अगला रेजिस्टेंस 15,200 के आसपास आएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में स्पॉट मार्केट में पहले इस ट्रेंड लाइन पे गौर करें। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, जो गैप डाउन कैंडल होने के बाद उसमें बाइंग आती हुई नजर आई। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कैंडल को ब्लेंड करके देखें तो एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था। ऑल्दो ये ट्रेंड लाइन एक ऑब्जर्वेशनल ट्रेंड लाइन है क्योंकि यहाँ पर तीसरा टच पॉइंट नहीं है, लेकिन दूसरी ट्रेंड लाइन को गौर करें तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो इन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। अब प्राइस एक्शन को समझते हैं दोस्तों। प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन दिखाया, मल्टीपल रिजेक्शन है, तो 32,540 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके ऊपर में दोस्तों यहाँ पर एक गैप है। इस गैप को अगर प्राइस फिल करती है और ईएमए 55 को टेस्ट करती है और ये ट्रेंड लाइन जिसकी चर्चा की, तो ये मल्टीपल कन्फ्लुएंस है, वो 33,089 पे आता है। तो हम कह सकते हैं 32,540 से लेकर 33,000 का जो बैंड है वो एक डिमांड बैंड के रूप में हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अगर अपसाइड में रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो आप देखिए एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मासिव गिरावट देखी गई और ये एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन की शुरुआत का कंफर्मेशन था, क्योंकि इस बुलिश कैंडल के मीडियन को भी प्राइस ने तोड़ दिया, रादर मीडियन के पास तो ये ओपन हुआ करीब करीब दोस्तों। अब अपसाइड में ये जो गैप है, ये गैप और यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखें, मल्टीपल रिजेक्शन है, तो 36,200 से 36,500 का जो बैंड है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में आने वाले समय में बैंक निफ्टी में साबित होगा दोस्तों। दोस्तों आप बढ़ते हैं यूएसडी आईएनआर के प्राइस चार्ट को देखते हैं, और यूएसडी आईएनआर में दोस्तों एक भारी कमजोरी देखी गई भारतीय करेंसी में अमेरिकन डॉलर के अपेक्षा में। और दोस्तों ये जो फॉलिंग चैनल की चर्चा हम हर वीकली मार्केट आउटलुक में कर रहे थे, जिसको यूएसडी आईएनआर रिस्पेक्ट कर रहा था, इसका अब अपसाइड में यहाँ एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ क्लोजिंग बेसिस पे एंड फॉलो थ्रू हुआ, और यहाँ पर देखिए दोस्तों अब जो पहले हम 72 से 72.8 को एक बैंड मार रहे थे डिमांड बैंड के रूप में, और अब प्राइस ईएमए 55 के ऊपर में क्लोज होती है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, और यहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस था, तो 73.4 एक इमीडिएट टर्म्स में सपोर्ट के रूप में नजर आ रहा है। और इस जगह पे देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, तो 72.8
जो अपर बैंड था डिमांड जोन का, अब वो सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 72.8 से लेकर 73.4 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिमांड बैंड के रूप में हम इसमें देखेंगे। दोस्तों अब जिस तरह से फॉलो थ्रू हुआ है और 72.2 से इसने जो हाई बनाया वो हाई बनाया था 74.3 का दोस्तों, तो अब आने वाले समय में हम भारतीय करेंसी को प्रोबेबली और कमज़ोर होने की संभावना है, क्योंकि इस चैनल का अब ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पर रिजेक्शन जो हुआ है दोस्तों वो SMA 233 से हुआ है। तो आने वाले समय में हम रेंज बोल सकते हैं कि 72.8 से लेकर आने वाले समय में ये जो लाइन है मल्टीपल रिजेक्शन है, तो 74.2 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। तो USD INR में फाइनली कंक्लूड करते हैं कि ब्रॉडर रेंज 72.8 से 74.2 की रहने की संभावना नजर आ रही है। अब चलते हैं गोल्ड के इंटरनेशनल मार्केट में एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों गोल्ड में भारी गिरावट देखी गई इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के टर्म्स में। अब यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस की चर्चा हम कई दिनों से करते आ रहे हैं, प्राइस का रिजेक्शन फिर यहाँ पर रिजेक्शन लिया। लेकिन दोस्तों इस हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट बैक में जाते हैं तो प्राइस का सपोर्ट, और 1765 एक अच्छा सपोर्ट था जो टूट गया। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, डबल टॉप का फॉर्मेशन जो हुआ था ये उसका ब्रेक डाउन हो गया। सॉरी फ्रेंड्स, तो इस ब्रेकडाउन के बाद में कमजोरी तो आ गई है। अगर प्राइस एक्शन के अनुसार देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है और यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है, तो अगला सपोर्ट जो नज़र आता है दोस्तों $1684 पे आता है। लेकिन इस डबल टॉप का अगर टारगेट हम निकालते हैं तो दोस्तों ये आता है 1595 पर। तो दोस्तों इसमें कमजोरी ज़रूर है, लेकिन भारतीय बाजारों में US डॉलर के प्रति इंडियन करेंसी के कमज़ोर होने से भारतीय चार्ट में कुछ अलग नज़र आएगा। तो हम MCX के ऊपर में एक वीडियो लेके आएंगे आज ही दोस्तों, तो उसमें आप चार्ट की एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल हम क्या कंक्लूड करते हैं, इमीडिएट टर्म्स में 1684 पर सपोर्ट नज़र आ रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। और इसको अगर गौर से देखें तो ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची है, प्राइस का सपोर्ट और ये सपोर्ट देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं 1600 फिलहाल इसकी वैल्यू आ रही है 1660। तो 1660 एक इमीडिएट टर्म्स में कम से कम पुलबैक का आधार बनेगा। लेकिन अब अपसाइड मूव में 1765 एक रेजिस्टेंस के रूप में होगा, 1830 अगला रेजिस्टेंस होगा। ये एंटायर बैंड जो है 1830 से लेके 1870 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीकली मार्केट आउटलुक का वीडियो ये पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। इसे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आए आपके अपने चैनल पर तो आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे मिस ना करें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। हेलो फ्रेंड्स। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।